नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए 100 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो आपका आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, आरपीएफ, रेलवे जेई, रेलवे टेक्नीशियन, सारे में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जो मोबाइल, कंप्यूटर ऐसे तमाम छोटे उपकरणों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा शक्ति। शक्ति जो है, जो आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया है। यह प्रतिमा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुतार। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस 2019 ट्रेनिंग एंड रिफॉर्म के वर्ष 2018 में भारत का स्थान केमा था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा 77। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 24 अक्टूबर 2018 को दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, यह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, तमाम संगठकों एवं उपकरणों को समाज में योगदान के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार किया गया पोर्टल, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो सेल्फ फॉर सोसाइटी। देश के किस राज्य में 21 अक्टूबर 2018 को पहली बार डीजल का मूल्य पेट्रोल के मूल्य से अधिक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 2018 का मैन बुकर प्राइज किसे मिला, जीतने वाली उत्तरी आयरलैंड की पहली साहित्यकार का नाम क्या था? तो इस बार जो है, जो 2018 मैन बुकर पुरस्कार जो है, जो आपको अन्ना वर्नस को दिया गया, अन्ना वर्नस। नेक्स्ट है, उस एकमात्र राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी, जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर तुषार मेहता। नागालैंड गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का वास्तविक नाम जिनका 6 अक्टूबर 2018 का निधन हो गया, तो नटवर ठक्कर। देश की सबसे बड़ी न्यूज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन कौन है? तो एन रवि। हाल में ही पेकयोंग में नए हवाई अड्डे के साथ देश का कौन सा राज्य भारत के हवाई नक्शे पर आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी है, जो अन्ना राजन मल्होत्रा मद्रास काडर का है। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस के चेयरमैन कौन है? तो कलराज मिश्रा। स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन है कलराज मिश्रा। मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट ब्लोअर बॉलर, मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट कौन है? तो इसका होगा जेम्स एडरसन। इंडिया फर्स्ट इवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड सुपरमार्केट, जो बिना सेल्समैन के दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन परिचालित किए जा सकते हैं, जिसमें कोई सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होगी, 3 सितंबर 2018 को कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में आयोजित 18वें एशियाई खेलों के पदक तालिका में भारत का स्थान कैमा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां। फर्स्ट चीन था, सेकंड जापान। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2020 में कहाँ होगा? तो 2020 में 19वें एशियाई खेल का आयोजन है, जो आपका हांगझाओ चीन में होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 46वें न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? तो जस्टिस रंजन गोगोई।
भारत में डिस्पोजल प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले कहाँ प्रतिबंध लगा था? सबसे पहले प्रतिबंध जो है जो सिक्किम में लगाया गया था 1998 में। बिम्स्टेक राष्ट्रों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार मेघालय के चेरापूंजी को पीछे छोड़कर वर्ष 2018 में भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो महाबलेश्वर। 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? तो गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट है, गूगल की मातृ कंपनी का नाम क्या है? तो अल्फावेट इंक। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन है जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक नया रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था? इसका हो जाएगा गाजीपुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2018 में भारत का स्थान कहाँ है? तो 57। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो समीट। किस स्टेडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019, कोप इंडिया 2019 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो पश्चिम बंगाल। 12वें जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका जर्मनी में किया गया। ब्यूनस आयर्स में यानी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में G20 शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो रजनीकांत मिश्रा। नाटो की स्थापना हुआ था तो 1949 में, इसका मुख्यालय है जो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कब करेगा? तो 2022 में। पुणे इंटरनेशनल मैराथन किसने जीता? अटलाबिम डेबेब, इथोपिया के जो हैं धावक, उन्होंने जीता पुणे इंटरनेशनल मैराथन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो सुनील अरोरा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोरा। गणतंत्र दिवस 2019 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे? तो इसका हो जाएगा सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरेंद्र सिंह धनोआ। भारतीय हॉकी के प्रमुख कोच कौन है? तो हरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोरा। गणतंत्र दिवस 2019 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरेंद्र सिंह धनोआ। बीरेंद्र सिंह धनोआ है जो भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। भारतीय हॉकी के प्रमुख कोच कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एयरफोर्स डिफेंस एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिसंबर को एक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है, इसका नाम क्या है? तो सिन्यू मैत्री 18। नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1612। एडमिरल कप 2018 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इसमें भारत का स्थान जो है जो 4th नंबर पर रहा था, इसकी मेजबानी एडमिरल कप 2018 की मेजबानी जो है जो भारत ने किया था। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता? तब वनेसा पोंस डी लियोन, मेक्सिको की रहने वाली हैं, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां, 1st नंबर पर स्वीडन है।
हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो बेल्जियम। अंग्रेजी के किस प्रतिष्ठित साहित्यकार को वर्ष 2018 के 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है आपको आने वाले एग्जाम में, इससे आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपका इससे ज़रूर रहेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लें और याद कर लें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा कैटरियोना ग्रे। मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता है? तो कैटरियोना ग्रे। पेरिस समझौता किस वर्ष से लागू होगा? तो 2020 से। आईपीएल 12 के लिए हुए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर किसे खरीदा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे दूरगामी वस्तु की खोज की गई, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया फॉर आउट। WEF लिंग अंतराल सूचकांक 2018 में के अनुसार भारत का स्थान कहमा है 108वां। किस देश ने 2019 को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित होंगे? तो अभी कॉमनवेल्थ गेम है जो आपका 2022 में आयोजित होगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो डॉक्टर राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी टी ट्वेंटी जो है जो बांग्लादेश ने फाइनल में किसे हरा कर जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इस बार जो है जो महिला एशिया कप ट्रॉफी टी20 जो है जो बांग्लादेश ने जीता भारत को फाइनल में हरा कर। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑपरेशन मेघदूत किस इलाके के नियंत्रण हेतु चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो नागेश्वर राव गुटूर। 2022 का फीफा कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। पी कश्यप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका बैडमिंटन। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 जो श्री सैनी ने जीती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र बघेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमलनाथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट। ये सारा हाल फिलहाल में हुआ है दोस्तों, इसलिए इसे भी अच्छी तरह से देख लें। साल 2018 का बैलन डी ओ अवार्ड किस फुटबॉल खिलाड़ी को मिला? तो बैलन डी ओर अवार्ड जो है जो लुका मॉड्रिच क्रोएशिया के जो फुटबॉलर हैं जिन्हें मिला है लुका मॉड्रिच बैलन डी ओर अवार्ड। नाला सपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 उपन्यास की रचना किसने की? तो चित्रा मदगल। संगीतकार ए आर रहमान को किस राज्य का पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत किस देश के साथ मिलकर हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा।
किस गुजराती कवि ने अपनी कविता संग्रह बखार के लिए 2017 के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितांशु यश चंद्र। यूनेस्को ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर को वर्ष 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की? इसका आंसर हो जाएगा शारजाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2018 की जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान जो है जो आपका छठा है। किस राज्य की सरकार ने कटहल को यानी जैक फ्रूट को राज्य का अधिकारक फल घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गठित क्षेत्र का नोबेल तुल्य एवेल प्राइज 2 अप्रैल 2018 में अमेरिका के प्रिस्टन विश्वविद्यालय के किस संगीतकार को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पी लैंगलैंड। भारत और किस देश के बीच 28 नवंबर से शुरू युद्धाभ्यास कोकन 2018 का आयोजन गोवा में किया गया? तो कोकन 2018 जो है का आयोजन जो है जो गोवा में किया गया था, यह भारत और ब्रिटेन के बीच का युद्धाभ्यास है। G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा, तो 2019 का आयोजन जो है जो आपका जापान में होगा। हॉकी विश्व कप 2018 के मेजबानी भारत में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। BCCI के सचिव कौन है? तो अमिताभ चौधरी। इसका मुख्यालय है जो मुंबई में है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 89 25 नवंबर को ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में भारत एवं US संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार? ब्रज प्रहार है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जो आपका जयपुर में आयोजित हुआ था। इंटरपोल ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना था? किम जोंग यांग। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश? तो इंडोनेशिया। नवंबर 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन किसने जीता? तो आसियान शिखर सम्मेलन जो है जो सिंगापुर। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नवंबर 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नोट्स ऑफ ए ड्रीम नवंबर में लॉन्च हुई किनकी जीवनी है? तो AR रहमान। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावत। सिम्बेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS अरिहंत। ये आपका था 100 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आपको पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।